देसी चरोखा चैनल देखने वाले दा दर्शकों का मेरे वालों बहुत निघा स्वागत। मैं तुहाडे सामने फिर हाजिर हाँ ब्रिगेडियर MPS बाजवा जलंधर तो डिफेंस टॉक लई। और अज दा जिहड़ा टॉपिक है वह बहुत ही अहम और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि विजय दिवस मनाया जा रहा 26 जुलाई को, जिहड़ा कि कारगिल वॉर का जो खत्म हुई सी उसलिए मनाया जाता है। मैं क्यों जो खुद मैं अपनी हडबीती दस रहा इस वॉर का हिस्सा सा, इस करके ये एपीसोड तुहाड़े सब लई और मेरे लिए एक बहुत ही अहम है। उसी एक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव टाइगर हिल ते कब्जा करना। टाइगर हिल जिवें मैं पिछली बार दस्या सी, एक जदों भी मैनू उस तो बाद 28 तरीक नूं चांस मिलिया और मैं हैलीकॉप्टर रिकॉनसेंस लई रिक्वेस्ट दित्ती तां जो मैं उपरों देख सकां। बहुत इस हदायत नाल क्यों जो पहला साडा Mi-17 हैलीकॉप्टर जो आर्म्ड हैप्टर साडे सन वह गिर चुका सी और दो जहाज साडे जिवें तुहानूं पता है कि तबाह हो चुके सी, गिर गए सी। तो इस करके बड़े एहतियात दे नाल उस कॉशन दे नाल मैं जिन्ना भी संभव हो सकया अपनी हैलीकॉप्टर रिकॉनसेंस पूरी की हैलीकॉप्टर के थ्रू, और जिहड़ी मेरी प्लैन सी उहनूं मैं होर भी नज़दीक नाल देख के और पक्का मन बना लिया जिवें मैं प्लैन करना चाहुंदा सी। अगले दिन मेरी ब्रीफिंग सी जिहदे विच के चीफ भी जनरल मलिक भी आए सन, बाकी ऑफिसर्स दे GOC दे अलावा। जदों मैं प्लैन प्रेजेंट कीती उहदे विच मेरे कोल 13 जैकरिफ्ट सी जिहदे विक्रम बत्रा सी, जिवें कि मैं पहलां दस चुका कि उहनूं मैं प्लैन सी कि उहनूं भेजणा सी उपर टाइगर हिल टॉप ते। नाल मेरियां जिहड़ी 8-6 सी उह फर्म बेस दे विच नीचे बैठी सी आस पास घेरा पा के पहलां दी टाइगर हिल ते। 18 कैनेडियन जिहड़ी कि टोरोलिंग दी पहलां लड़ाई लड़ चुकी सी और पहलां ही उहनां दे 60 बंदे जख्मी और शहीद हो चुके सी, उह रैसट कर रही सी, उह दुबारा मैनूं दित्ती गई। नाल ही 2 नागा जिहड़ी कि मेरी पहलां यूनिट सी पटन दे विच, एक्चुअल मेरी 2 यूनिट मेरिया सन 13 जैकरिफ्ट ते 2 नागा, उहदे नाल 18 कैनेडियन ते 8 सिख जो नीचे बैठी सी, ये मैनूं पलटना मिली। इहदे नाल मैं प्लैन जो प्रेजेंट कीती। एक नाल दा फीचर है, बहुत अहम फीचर, वह भी जो कि वो एक 1 अल्फा जोड़ी रस्ता जा रहा श्रीनगर तो लैके लेह दा जिहड़ा रोड है वो बिल्कुल नज़दीक है और डोमिनेट करता, वो ते भी दुश्मन बैठा सी। मेरी प्लैन सुन तो बाद जो डिस्कशंस हुई बाद चीफ ने जनरल मलिक ने साढ़े आर्मी चीफ ने कुछ तब्दीली की प्लैन दे विच कि इस टाइगर हिल दी जो असी अटैक है इनू मेन अटैक हटा के पहला असी डाइवर्शनरी या फेंट अटैक के डाइवर्ट करिए अगले दिन, क्यों जो मेरा अटैक जा रहा सी टाइगर हिल ते 3 जुलाई रात नूं 3-4 दी रात नूं और 4-5 दी रात नूं पहला 4875 उत्ते अहम फीचर सी उत्ते कब्जा करके फिर दोबारा 19 देर से असी डाइवर्शनरी अटैक करके फिर दोबारा असी टाइगर हिल लैंड लिया आवांगे होर पलटना दे नाल। खैर जदों मैनूं GOC साहब ने आके दस्या कुछ मैनूं अजीब तो लगा कि क्यों प्लैन नूं पहला क्यों नहीं इहनूं प्रायोरिटी दित्ती गई बाद च क्यों, पर कुछ अहम फैसले जो है हायर जिहड़े हैडक्वार्टर्स ने या उहनां दी नज़र नाल उह देखे, उहनां ने अपनी नज़र नाल देखिया। खैर जिहड़ा मेरा डाइवर्शनरी अटैक सी उह अटैक दी प्लैन इह सी कि 18 कैनेडियन नूं जिस प्लैन दे मुताबिक मैं कीता सी उस प्लैन दे मुताबिक उहनूं चढ़ाया जाएगा और अटैक करनगे। जदों कि 8 सिख नीचे सन फर्म बेस च, उन्हां दी हदायत यह सी कि वह थले ही बोले सुन हाल फर्म बेस चो ही जो कह रहे रात को बुलाउणगे ताकि दुश्मन को एहसास हो जाए कि अटैक इधरों भी 8 सिख वालों दूसरी साइड तो भी आ रहा, जदों कि एक फेंट अटैक या जिवें एक शीशा विखाउणा या एक झूठा एक तरह का साडा फेंट अटैक हुंदा है तां जो दुश्मन महसूस होए कि अटैक आ रहा, जदों कि 18 कैनेडियन जिथों तक भी जा सके उन्होंने जाना सी तां जो दुश्मन नूं समझे कि आ साडे ते अटैक आ रहा।
मेरे मन च 15-20 मिनट थोड़ी वेट करके कुछ अजीब जहा महसूस होया। मैं चाहता सी कि यह मेरा डवशनी अटैक डवशनी नहीं, मैं कम से कम इनू टाइगर हिल नू कब्जा करा, क्यों जो मैं निश्चय कर अपनी जीत करूँ कह चुका सी। उस विश्वास के नाल मैं सब तो पहला अपने BM नू कहा कि जाके सूबेदार मेजर नू, जो कि 8 सिख के सूबेदार मेजर बाकी CO उपर सन, उन्हां दी कोई तबीयत ठीक नहीं चल रही सी, वह फॉर्म बेस से बटालियन हेडक्वार्टर सन। जदों ही मैं सूबेदार मेजर साहब नू बुलाया, उन्होंने मैं सिर्फ पंजाबी च एक सिंपल चीज़ पूछी कि साहब तुहाडे हुण तक एक अफसर जिहड़ा कि उस टाइगर हिल दे उत्ते दबिया पिया है और 4 बंदे वो शहीद होए ने और 25 आदमी तुसीं हुण तक गवा चुके हो फोम बेस तो, अज मैनूं हुक्म मिलिया कि तुसीं फोम बेस तो ही 8 सिख जकारे बोले सुन हाल दे कहेगी और अटैक नहीं करेगी। मैनूं तुहाडे को सिर्फ एक जवाब चाहिए कि तुसीं 8 सिख ये जकारे थल्लियों छड़ना चाहती है बुलाना चाहती है या कि टाइगर हिल टॉप तो बुलाना चाहती है उपरों या थल्यों। अचानक मैं देखा कि सूबेदार मेजर साहब की अख एकदम चमक आई और जदों ही वो मैं चमक देखी मैनू यह महसूस होया कि मैं अद्धी लड़ाई जित ली। उस मोटिवेशन नाल उन्होंने सीधा जवाब मैनू दिता, साहब 8 सिख की पलटन थल्यों नहीं उपे जाके टाइगर हिल ते जकारे छेगी और जकारे बोले सोनाल उपरों बुलावे। मैं क्या ठीक है साहब तुसी जाओ, मैं कमांडिंग अफसर ने गल करके बेदा फैसला लेना। मैं कमांडिंग अफसर नूं कहा कि मैनू कन SP सन कि 50 बंदे जिच 2 ऑफिसर्स 4 JCO ते 46 अदर रैंक्स सोल्जर्स जिहड़े सब तो फिट ने इंक्लूडिंग उन्हां दी घातक पलटून जिहनूं कमांडो पलटून इस कहिंदे उह तैयार करके रखो। जदों ही मैं टाइगर हिल टॉप ते 18 ग्रेनेडियर दी घातक पलटून जिन्हां नूं लीड कर रहे सी लेफ्टिनेंट बलवान, उन्हां दी पलटून अगर जदों कब्जा कर लैंदी है ते तुहानूं मैं कोडवर्ड बाज देंगा, बाज मेरा ही शॉर्ट नेम बाजवा दा सी, और जदों ही बाज मिलता फिर तुसीं जाके साउथ वैसटर्न पार्ट नूं जिथे कि तुसीं पहला 2 वारी अटैक तुसीं फेल कर चुके हो चुके हो उत्थे दोबारा भेजांगा उस 2 चोटियां दी 2 पोस्ट अहम पोस्टां नूं इंडिया गेट ते हैलमेट ते। इहदे कहण तों उन्होंने अपनी तैयारी शुरू करती। ये चीज़ मैं किसी हद तक अपने GOC साहब नूं नहीं डिस्कलोज़ की, क्यों जो प्लैन दे मुताबिक नहीं सी, ये प्लैन तो अलग चीज़ सी थोड़ी, और वह भी तां सी कि अगर असीं उत्ते कब्जा कर लेंगे। 3 तरीक रात नूं साडे अटैक प्लैन शुरू होनी सी और 3 रात नूं साडा HR जिहनूं कहिंदे स्टार्ट पॉइंट, असीं स्टार्ट लाइन जिहड़ी क्रॉस करते हैं, क्यों जो ऊंचाई बहुत ज़्यादा सी, एक रोड तो 16,700 ते जाके कब्जा करना सी टॉप ते। इहदे लई मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग नूं अपने GOC साहब नूं दरख्वास्त कीती कि मैनूं तुसीं ये प्लैन ते मेरी कीती है भी नहीं बाद च करांगे असीं, मैनूं सिर्फ 2 काम मेरे कर दो, एक ते मैनूं 2 जो हॉस तो हॉस है जिहड़ा कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल जिहड़ा कि सोनामर्ग नज़दीक ही है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल चों 2 मैनूं टीम्स दे दिओ जिहड़ियां कि रस्से वालियां, इहनां नाल मेरी घातक पलटून नाल जां कमांडो पलटून दे नाल उपर टॉप ते इहनां दी मदद कर सकण और इहनां नूं जाके उपर तक पहुँचा दें, क्यों जो इन्फेंट्री दा उस जिहड़ी स्टिफ क्लिफ ते चढ़ना और बिल्कुल शेयर क्लिफ उस चढ़ाई दे उत्ते शायद सीधी चढ़ाई जिहड़ी है इहनां दा ना कर सकन, इहनां नूं स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए है। दूसरी चीज़ मैं उन्हां को पाइनियर पलटून तां जो उन्हां दा एमनिशन नाल लैके जा सके, उन्हां नाल इंजीनियर्स एक पलटून दित्ती, उन्हां नूं मिलान मिसाइल्स दा दित्ता, इस तरह करदिआं उन्हां इन्हां सारे दस्तियां दे नाल जो कि GOC साहब ने मेरी गल मान ली और टीम्स आ गई मैशअप हो गई। मैं इहदी बजाय कि इक्को वारी उन्हां नूं रात नूं चढ़ाउण दी बजाय मैं 18 ग्रेनेडियर्स नूं उन्हां दी बाकी कंपनीज़ नूं अचानक फोल्ड्स विच पहली तरीक तों ही
गाना शुरू करता। पहली रात में जाके वो कोई 300-400 मीटर ऊपर जाके एक छुप गए, सारा दिन छुपे रहे। अगले रात फिर दिने चढ़ के ता जो वो टायर्ड ना लास्ट जो जान वो बिल्कुल फ्रैश होने चाहिए। अखीर के उत्ते दो रात नूं असीं एक गातक पलटून और डेल्टा कंपनी के पिछे चार्ली कंपनी के नाल ये बिल्कुल 1000 फुट के नज़दीक 1000 गज के नज़दीक नीचे पहुँच गए। रात शाम नूं मैं क्यों जो अटली का फायर लिया सी 22 फायर यूनिट्स जिसों बोफोर्स गंज नूं, और ये मेरी खुशकिस्मती सी कि जो अटली के कमांडर सन वो मेरे स्कूल के ब्रिगेडियर लखविंदर सन, उन्होंने गल करके बोफोर्स गंज नूं मैं डायरैक्ट फायरिंग रोल दे विच इस्तेमाल किया सी, तां जो एक मीडियम गन नूं डायरैक्ट फायरिंग रोल तुम सीधा ही वो उत्ते गोला गिराए। इस जदों कि ये शाम नूं शुरू होनी सी 45 मिनट पहले फायरिंग, और उस तो बाद साडा अटैक जाना शुरू हो जाना सी। थोड़ी जी मेरी खुशकिस्मती कि बारिश का थोड़ा असार थोड़े छिट्टे पैन लग पे, वो सानू एक कवर के तौर पर थोड़ी जी फॉग हो गई। दूसरे पास थोड़ा नुकसान ये कि स्लिपरी ज़्यादा हो गया, पर क्यों जो ट्रुप्स अगे जा चुके सन और नज़दीक सन, इस करके मेरा ख्याल सी कि इन्हें मैं कोई दिक्कत ज़्यादा पेश नहीं आएगी। जदों ही साड़ी फायरिंग अटलरी दी स्टार्ट हुई कोई 7:30 बजे के करीब, उस वक्त अचानक जदों मेरा अटैक जा रहा सी और फायरिंग शुरू हो चुकी सी, ऑप्स रूम दे विच मेरे ऑपरेशन रूम दे विच जिथे कि GOC साहब मौजूद सन, अचानक उन्होंने टैलीफोन आया कोर कमांडर तो श्रीनगर तो, उन्होंने कहा कि एक सारे TV से आ रहा है उतों कौन रिपोर्ट कर रहा है कि अटैक जा रहा है और फायरिंग जो जा रही है जो भी गोले गिर रहे हैं वो डायरेक्टली वो सारा TV आ रहा है तुहाड़ी जो प्लैन है जिहड़ी कि ये नहीं मैं पता लग सकता, हो सकता दुश्मन भी पता लग जाए क्यों जो कोई कमेंट्री के तौर पर बोल रहा है। उस वक्त असी जाके चैक किया और पता लगा कि बरखा दत्त अपने उस समय NDTV के तौर पर या India 2 दे जिस तरह की टीम के आए सी, उदों यह मीडिया पहली बार सी ते उस चीज़ के उत्ते उन्होंने अपने आप ही अपने लैवल से बिना परमिशन लिया सीधी रिपोर्टिंग शुरू कर दी जदों कि साडा अटैक होना शुरू होया। इसका मैं एक क्लिप तुहानू दिखाउणा चाहवांगा, तुहानू आइडिया हो जाएगा कि यह मीडिया का रोल तो बहुत अच्छा है, पर यह कभी भी मीडिया नू उस वक्त यूज़ नहीं करना चाहिए कि जदों के अटैक जा रहा या रिपोर्टिंग हो रही हो। एक क्लिप जिहड़ा तुहानू इह दुख देखना बहुत जरूरी है। Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. Fireballs and smoke fill the air. The sound of the Bofors guns does not stop for the next 13 hours. But right now the guns are providing covering fire to the men making their way up to the top. Nearly 3,000 men from 3 different regiments are getting ready to put their lives on line. Men from the 2 Naga and 8 Sikh regiments take position on the right and left flanks of Tiger Hill. The 18 Grenadiers hide at the rear where Pakistan does not expect anyone to be. Later this will prove to be a decisive move. इस क्लिप तो दो चीज़ें जाहिर होंदियां तुसीं देखिया। पहली गल कि बरखा दत्त ने जरूर साडे डिसेप्शन वास्ते गलत पलटना दे नाम लए, जिहड़ा कि उन्हूं नहीं सी शायद पता भी 2 नागा और 8 सिख लैफ्ट फ्लैंक तो। पर एक चीज़ वो बहुत जरूरी जिहड़ी कि बहुत असी लुका के रखनी सी, उन्हें कहा कि 18 ग्रेनेडियर जो है नॉर्थ वालों सजे पासे तो जा रहे, जिहड़ा कि किसी नूं पता नहीं। सो मेरा मतलब दर्शकां साहब दसन दा कि मीडिया का रोल बहुत जरूरी है और अहम है, पर मीडिया नूं भी कोआर्डिनेट करना और उन्होंने अंडर कंट्रोल रखना या परमिशन लैन तो बिना जदों लड़ाई खत्म हो जाती है अटैक उस तो बाद रिपोर्टिंग या लैनी कमांडर्स को, इहदा थोड़ा जिहा चैक रखना एक साडे लई एक बड़ा वड्डा एक लैसन साबित होया। मैं 18 ग्रेनेडियर की जिहड़ी प्लैन सी
कि दो डायरेक्शंस तो जिवें तुसी देख रहे हो मैप ए 18 ग्रेनेडियर्स का अटैक जाना सी जिहड़ा राइट वालों सी उस दे विच घातक पलटून सी 40 कंपनी जिहड़ा खब्बे पासों उस च अल्फा कंपनी डेल्टा कंपनी और ब्रेवो कंपनी रिजर्व दे विच सी। वो घातक पलटून ने राइट साइड तो एक क्लिफ क्लाइम करनी सी, खास तौर पर घातक पलटून ने उहदे पिछे पिछे 40 कंपनी सी। उस जिहड़ी क्लिफ क्लाइम करनी सी वह क्यों जो क्लिफ एक उही एक साड़ी सब तो वड्डा एक चैलेंज सी। वो जिन्हां दर्शकों ने एक शायद एक मूवी देखी हुई जिस ऋतिक रोशन लक्ष्य मूवी जिस ऋतिक रोशन वो सारी मेरी टाइगर हिल के उत्ते बनी हुई है मूवी उस भी बरखा दादा ही रोल है जिहड़ा कि प्रिंटी जिंटा ने किया। जिवें वो चढ़ता है जिवें दिखाते ने वो तो महसूस होएगा कि किवें और किन्ना कठिन सी ये चढ़ना, पर क्यों जो मोटिवेट एक साडे सन और यंग मुंडिया ने इस घातक पटून ने कर दिखाया। और 4 जुलाई नूं सवेरे 4 बजे ये घातक पलटून जो है ये उपर जाके इन्होंने टाइगर टॉप पर कब्जा कर लिया। उस वक्त ही मैं जदों पता लगा मैनू कि टाइगर टॉप पर इन्हें पलटून ने कब्जा कर लिया और लड़ाई चल रही सी, उस वक्त ही मैं 8 सिख वाले लड़कियां कोडवर्ड बाज दे दिता ता जो वो उस 4 दी रात नू खब्बे पासे उही दो जिथे कि वह पहले जा चुके सन नॉर्थ वैसट जो रिज लाइन है लैफ्ट वाली हैलमेट और जिथे इंडिया गेट लिखा उस ते जाके वो कब्जा कर लें ता जो इंटरपोज करता ता जो लैफ्ट साइड तो या खब्बे पासे तो उन्होंने कोई टॉप वाले नू कोई इमदाद ना आ सके, ना कोई रीइनफोर्समेंट आ सके, ना कोई काउंटर अटैक हो सके। ब्लैन करने वाला उपर वाला पर जो तजवीज़ बनानी है और उन्होंने एग्जीक्यूट करने वाले तजवीज़ बनाने वाले हायर कमांडर ने और एग्जीक्यूट करने वाले साढ़े सोल्जर्स और यंग ऑफिसर्स ने। ये दोवें मिसमैच नहीं होने चाहिए, दोवें बराबर होंगे ता ही चलती गल। कब्जा हो गया 4 बजे, उस समय जी ओ सी साहब कोई 2:30 बजे ना 3 बजे तक जा चुके सी अपने हैडक्वार्टर। मैं 4 बजे रिपोर्टिंग के मुताबिक अपने जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर मोहिंदर पुरी सन उन्होंने मैं दसिया कि सर टाइगर हिल टॉप पर कब्जा हो गया। वो सुन के हैरान और बड़े खुश होए भी किवें कर लिया, पर मैं कहा जे लड़ाई जारी है कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन किसी तरह भी टर्न कर सकती है, इस करके तुसी अजे किसी होर नूं ना दस्यो, अजे 10 बजे तक सवेर तक पोजिशन जिहड़ी क्लीयर हो जाएगी ता जो मैं 40 कंपनी या दूजी कंपनी नूं उपर भेज रहा। पर जिवें कहिंदे ने जो जी ओ सी साहब ने बाद च दस्या मैनूं कि उहनां दी कोई खुशी दा ठिकाणा नहीं सी और एक्साइटमेंट दे विच उन्होंने को कमांडर साहब नूं दस्सता कि इस तरह इतना टाइगर हिल ते कब्जा, और उही कोर कमांडर साहब ने अगों आर्मी कमांडर साहब दसता, अगों उन्होंने चीफ नूं गल चलदी चलदी अखीर ते सवेर तक साडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेई जी दे सैक्रटरी ब्रजेश मिश्रा दे कोल पहुँच गई और अपने साडे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये 9 बजे पूरे हरियाणा दी एक पब्लिक मीटिंग च अनाउंस करता बड़े शान नाल कि हमारे फौजियों ने हमारे सैनिकों ने टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया है। टाइगर हिल टॉप पर कब्जा करने लई मैं सब तो ज़्यादा वीरता दिखाई जो घातक पलटून खास तौर पर उन्होंने लैफ्टिनेंट बलवान तो उन्होंने लीड कर ही रहे सन। उन्हों का खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहवागा ग्रनेडियर युगेंद्र यादव जिन्हों बाद परमवीर चक्कर नाल नवाजा गया और एक होर हवलदार मदन लाल जिन्हों के वीर चक्कर मिला और लैफ्टिनेंट बलवान बाद चुनाव महावीर चक्कर मिला। बहुत बहादुरी नाल नायक मदन लाल ने हवलदार मदन लाल ने अपनी वीरता दिखाते हुए उत्थे शहीदी प्राप्त की। इन्होंने जोगिंदर यादव ने अपने देने इनिया गोलियां खा के फिर भी इन्होंने 6 बंकर दबा किते बंदियां नूं मारिया
और खीर के उत्ते जख्मी हाल च ही इन्हों बाद उतों वैकुएट किया गया। यदा किस्सा जो है टाइगर हिल टॉप ले लिया सी मैं जो ये सारा कब्जा होया तो ये इतों तक एपीसोड करने जो 8 सिख ने की वीरता दिखाई और किवें लड़ाई जी 6 तरीक तक असी पूरे टाइगर हिल में कब्जा किया। ये मैं अगले एपीसोड तुम दसागा। जय हिंद।